गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ तुहाडी अध्यापका परवीन रानी, पंजाबी मिस्ट्रेस। अज आप छेवीं दी किताब पाठ दाते करांगे। अगे आप दाते पाठ पढ़ चुके हैं, हुण उसदे की है अभ्यास प्रश्न करांगे। पहला प्रश्न है, गीता दे घर दी हालत खराब क्यों सी? उत्तर है बेटा, गीता दे घर दी ज़्यादा बच्चे होन कारण उस दे घर दी हालत खराब सी। अगला है, गीता दा परिवार गर्मियां विच सर्दियां नू अते सर्दियां विच गर्मियां नू क्यों उड़ीकदा सी? उत्तर, गीता दा परिवार गर्मियां विच सर्दियां नू इस करके उड़ीकदा सी तां के उन्हां नू गर्मियां वाले कपड़े ना सवाने पैन, ते सर्दियां विच गर्मियां नू इस करके उड़ीकदा सी तां के उन्हां नू गर्म कपड़े ना सिलाने पैन। तीसरा प्रश्न है बेटा, गीता नू आप चूड़ियां चढ़ाउण दा हौसला क्यों ना पिया? उत्तर, गीता दियां तीनों कुड़ियां दियां चूड़ियां दे ही 1 रुपया 65 पैसे बन गए सन, इस करके उसनों आप चूड़ियां चढ़ाउण दा हौसला ना पिया। चौथा प्रश्न, बच्चे अपनी माता ले चूड़ियां तेल दी बोतल ते पाउडर क्यों लेके आए? उत्तर, बच्चे अपनी माता नूं खुश करन लई चूड़ियां तेल दी बोतल अते पाउडर लेके आए, क्योंकि उन्हां दी माता इन्हां चीज़ां दी शुकीन सी। पंजवा प्रश्न, इस कहानी विच दाता किसनू कहा गया है? उत्तर, इस कहानी विच दाते बच्चों नू कहा गया है, क्योंकि बच्चे दुनिया तो बेखबर हुंदे हन, उन्हां कोल पैसे होन ता वह बादशाह हुंदे ने। इहदे विच की है, इस जो कहानी है दाते, इहदे विच एक गीता ते उसदे बच्चों की कहानी दिती हुई है, उन्हां दे घर की हालत बयान कीती हुई है कि जो बच्चे ने वो अपनी माता नूं प्यार करदे ने, उनकी हालत नूं समझदे ने। उन्हां नूं पता सी कि साड़ी माता नूं शौक है कि वो पाउडर ते बोतल वगैरह इन्हां चीज़ां की जरूरत है, पर वो की है साड़ियाँ जरूरतां पूरियां करन वास्ते ये चीज़ां नहीं खरीद पाती। जो उन्हां नूं पैसे मिले तो वो की है उन्हां पैसों दियाँ ये सब चीज़ां खरीद लिया। तो बच्चो, तुसी सब ने इस पाठ के प्रश्न उत्तर सारे कापियां ते लिख के ते याद करके लिया ने है।